हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताहिर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम या वीडियो में देखें कि हम यहाँ पर एक माइंस पे काम करने के लिए आए हैं। तो ये जो आप देखिए, ये जो माइंस है तो ये ग्रेनाइट की माइंस है। तो यहाँ पर हम इसलिए आए हैं दोस्तों के यहाँ पर क्या है, काफ़ी मशीनें चलती हैं और मशीनों में दिक्कत आती है, आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर हमको इन माइंस वालों ने बुलाया था कि एक मशीन में यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। ये देखिए, एक तो आपको यहाँ पर नीचे ये एक जेसीबी की मशीन है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। और एक मशीन कोमांसू है, तो उसमें भी दिक्कत थी। तो हम दोनों मशीनों को चेक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए, ये एक ग्रेनाइट जो अपने होता है घरों में लगता है, तो उसके ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर काटे जाते हैं और फिर ये ब्लॉक बाज़ार में आते हैं, उनकी कटिंग होके हमारे घरों में भेज दिए जाते हैं। तो हम खरीद कर इनको अपने घरों में लगा लेते हैं। तो आज हमारा यहाँ आने का मौका मिला है हमको, तो हम यहाँ पर आए। तो इस जेसीबी में भी दिक्कत है, तो इस जेसीबी का वीडियो तो मैं जब काम करूँगा बाद में, तो मैं इसको आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है। तो अब जो अभी हम इस यहाँ पर आए हैं, मेन मकसद जो काम करने का है, तो ये जो आप अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो मशीन थी कोमांसू, तो उसी को हम चेक करने के लिए, मेन उसी को चेक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि उस मशीन में कभी मतलब कि हमारे को ये पूछने पता चला, करीब 10-15 दिन से ये मशीन डिस्टर्ब हो गई थी, और 10-15 दिन से ये मशीन यहाँ पर इन्होंने इसको चलाना बंद कर दिया था, क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी दोस्तों। तो इसमें ये देखिए आप, कोमांसू मशीन है, तो मेन इसमें ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पर ये चेक करने के लिए आए हैं। तो जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेन दिक्कत मतलब क्या थी मशीन में। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक बड़ी सी क्रेन भी लगी हुई, डेरी क्रेन। तो इस क्रेन के द्वारा ही ये यहाँ पर सारा सामान वगैरह, जो भी ब्लॉक वगैरह ऐसे कुछ भी काम होता है, तो इस क्रेन के द्वारा इधर से उधर सामान को शिफ्ट किया जाता है। अब ये देखिए, ये मशीन जो है, तो इसमें दिक्कत दोस्तों ये थी कि इस मशीन में ये पहले इन भाइयों का कहना था, मशीन वालों का, ऑपरेटर साहब का, कि हम इसमें 3 बैटरी भी अगर लगा देते तो भी ये इंजन घूमता नहीं था। जैसे कि बैटरी डाउन हो, इंजन हाफ राउंड लेता था, जैसे कि हूँ ऐसे करता था और मशीन स्टार्ट नहीं होती थी। तो इन्होंने काफ़ी कुछ करवाने के बाद भी, यहाँ के इन्होंने काम भी करवाया था, लेकिन इनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, तो हम यहाँ पर चेक करने आए थे। तो मैंने इनसे पूरी डिटेल ली थी इस बारे में कि इसमें क्या हुआ, कैसे क्या करवाया, कुछ करवाया, तो इन्होंने हमारे को सब कुछ बताया था। तो इनका कहना यही था कि इसमें जैसे हम 3 बैटरी भी लगा देते, 4 भी लगा देते, तो भी ये इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने आकर, जब मैंने फ़ोन पे ये सारी प्रॉब्लम को जाना कि भैया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इस प्रकार से मैंने जब वो पूरी जानकारी ली, तो मेरे को इसकी प्रॉब्लम का आइडिया लग चुका था कि इसमें दिक्कत क्या थी। क्योंकि ये ऐसे बोल रहे थे कि भैया 4 बैटरी भी हम जब लगा देते हैं तो भी इंजन मतलब स्टार्ट नहीं होता, जैसे हूँ ऐसे करता रहता। और तो ये मैं कुछ समझ चुका था कि इसमें दिक्कत क्या हुई। तो मैंने इनसे पूरी डिटेल ली कि भैया, तो इन्होंने हमारे को ये बताया कि भैया ऐसे इसमें सेल्फ में दिक्कत आई थी। जैसे ये अभी आप जो सेल्फ देख रहे हैं, तो ये तो सेल्फ में लेके आया था, तो मैंने उसमें लगा दिया था। और जो पहले जो इसमें सेल्फ लगा हुआ था, तो ये आप ये देखिए कि इस तरीके का सेल्फ किसी मैकेनिकल भाई ने, जो ओरिजिनल जो सेल्फ था उसको तो हटा दिया था, क्योंकि वो कुछ उसमें दिक्कत आई थी, तो उसने उसको वो भाई ने उसको हटा दिया। और ये जो हमारे TC 24 वोल्ट का जो सेल्फ था,
तो भाई ने क्या किया कि उसमें ये सेल्फ इस कॉमांसु में लगा दिया। अब ये सेल्फ इन्होंने लगाने के बाद इनको ये प्रॉब्लम आ गई कि ये जिससे क्या है कि इन्होंने दो एक दो बार तो दो चार बार इनकी स्टार्ट भी हुई तो वो लगा कर भाई साहब चले गए। लेकिन उसके बाद जब इनके प्रॉब्लम आई तो ये इंजन स्टार्ट होना ही बंद हो चुका था। तो ये देखिए कि आप इस तरीके का ये सेल्फ इसमें किसी भाई ने लगा दिया था। तो कभी ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जैसे हम तो पछ जाते हैं फॉल्ट ढूंढने में, ताकि और काफ़ी टाइम भी लगता है, काफ़ी दिमाग भी लगाना पड़ता है और कई तरीके की परेशानी आती है किसी फॉल्ट को ढूंढने के लिए। आप सभी मेरे भाई मैकेनिकल भाई जानते हैं कि फॉल्ट ढूंढने में हमें कितनी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें तो आप कभी भी ऐसा ना करें और पूरी जानकारी लें किसी चीज़ के बारे में, फिर उसका कुछ भी अगर हम चेंज करें कुछ भी चीज़ तो बड़े ध्यानपूर्वक करें। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें किसी ने इसमें टीसी का सेल्फ लगा दिया था जो कि उसके और फ्रेविल के मतलब के दांते मैच नहीं हो पा रहे थे, या फिर कुछ मतलब आउटनेस उसमें आ रही थी, इस वजह से इसमें दिक्कत बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो मैंने ये पता लगा लिया था कि इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो सेल्फ उसमें से हटा दिया और जो इसका ओरिजिनल सेल था वो मैं लेके आया। और मैंने उसको लगाते ही ये मशीन एकदम अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई। और इसमें नई वायरिंग भी करनी थी तो मैंने हाथ से बनाकर इसमें कंप्लीट वायरिंग फिटिंग भी कर दी। तो ये काम करते करते भैया हमको ये देखिए कि पूरी नाइट तक काम हमको करना पड़ा। और काम करने के बाद जब ये मशीन ओके हो गई, एकदम स्टार्ट भी सही हो गई और समस्या हमारी दूर हो चुकी। तो अब क्या है कि भैया ऑपरेटर जो होते हैं, तो ऑपरेटर क्या है कि अब संतुष्टि के लिए पूरी इस मशीन को चेक कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए अब जो ऑपरेटर है इसका पूरा लोड देकर, मतलब कि देखिए आप जो मशीन पे है ना, तो ये चारों सिलेंडर का लोड इस पे मशीन पे डाल रहे हैं और फिर ये चेक कर रहे हैं कि भैया कि इंजन, अगर इंजन जैसे दबने की शिकायत तो नहीं, क्योंकि हमने वायरिंग किया है कि इसमें वायरिंग पूरी जो इसकी वायरिंग थी वो हमने निकाल दी थी क्योंकि वो पूरी डिस्टर्ब थी और ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने इसमें हाथ से बनाकर कंप्लीट इसकी वायरिंग कंप्लीट करके पूरे दिन में, और इसकी जो समस्या थी स्टार्टिंग की वो भी मैंने ख़त्म की और वायरिंग नई बनाकर इसमें लगा दी। अब ये रात हो चुकी थी तो ऑपरेटर साहब इसको पूरी अच्छी तरीके से इस पे लोड डालकर और इनके मतलब जो भी फंक्शन है वो सब चालू करके तो वो चेक कर रहे थे। तो मतलब ये है कि जैसे ये देखिए आप वीडियो में ये पूरा चेक कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो ये प्रॉब्लम इनकी दूर हो चुकी थी और मशीन भी ओके हो गई थी। अब ये मशीन एकदम ओके चलने लगी और इनकी मशीन कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही है कि इसमें जो दिक्कत थी वो सिर्फ सेल्फ की थी, जो इसका ओरिजिनल सेल्फ था तो किसी ने वो ख़राब हुआ तो किसी भाई ने हमारे क्या है कि वो सेल्फ हटाकर उनके पास जो सेल्फ था टीसी का, तो उन्होंने वो इसमें लगा दिया। तो लगाने के बाद वो क्या है, दो चार बार तो कैसे तैसे इनकी पेट्रोल इन्होंने कैसे स्टार्ट की, लेकिन वो लगा कर चले गए। और फिर बाद में इनकी ये समस्या आई कि ये परेशान हो गए कि मशीन क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। फिर इन्होंने मैकेनिकल से भी स्टार्ट किया और